अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने हवावे को US एंटिटी लिस्ट में ऐड कर रखा है ताकि जितनी भी अमेरिकन कंपनी हवावे को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी वो ना कर पाएँ, और तब से हवावे की सेल्स डैमेज हो रही हैं और उसको गूगल की फुल सपोर्ट अवेल ना होने की वजह से शदीद नुकसान का सामना है। क्योंकि जिन फ़ोन्स में हवावे की गूगल की प्ले सर्विसेज मौजूद नहीं हैं उन फ़ोन्स को अवाम में ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। तो हवावे को इस तरह से डिस्टर्ब करने के बाद अब बारी है शाओमी की, क्योंकि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शाओमी को भी एक एंटिटी लिस्ट में ऐड कर लिया है जिसके तहत शाओमी से कोई भी अमेरिकन कंपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकती, और इल्ज़ाम ये लगाया है कि शाओमी को चाइना की मिलिट्री कंट्रोल करती है। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है जिसमें हम शाओमी के हवावे की तरह बैन होने की इम्प्लीमेंटेशंस और थोड़ी सी डिटेल में इस पर बात करेंगे, लेकिन इस इंट्रो के बाद। तो लास्ट टाइम जब हवावे पर अमेरिका की तरफ से बैन लगाया गया था तो उसकी वजह ये थी कि हवावे ने ये गुस्ताखी की थी कि सेल्स के मामले में एप्पल को पीछे छोड़ दिया था। और अब जब शाओमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है एज ए कंपनी और सेल्स में भी इतना ज़्यादा ग्रोथ पा रही है, और कुछ महीने पहले खबर भी आई थी कि शाओमी दुनिया की तीसरे नंबर की बेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बन चुकी है एप्पल को पीछे छोड़कर, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हवावे के बैन पर तब तक तो ये शुबा था कि मे बी अमेरिका सच कह रहा हो कि हवावे अपने सिलिकॉन चिपसेट से, अपने जो उसके किरिन के प्रोसेसर्स हैं उससे अमेरिकन लोगों का डाटा चोरी करती है। लेकिन शाओमी पर भी जब ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि शाओमी में मोस्टली जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं वो अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम के ही प्रोसेसर यूज़ करती है शाओमी, तो उसके बाद तो ये कहना जवाब नहीं बनता कि शाओमी उनके शहरियों का डाटा चोरी कर रही है। तो डेफिनेटली सिंपल सी रीज़न यही है कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई चाइनीज़ कंपनी दुनिया में टॉप पर आए स्मार्टफोन सेलिंग में। और चाइनीज़ कंपनीज इतनी स्पीड से ग्रो कर ही इस वजह से रही हैं क्योंकि उनके स्मार्टफोन्स की बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरा उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग एज ए कंपनी मुझे हवावे ज़्यादा अच्छी लगती थी एज़ कम्पेयर टू शाओमी, लेकिन शाओमी का भी इस तरह से बैन होना कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये स्टिल एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्टली अभी शाओमी को एंटिटी लिस्ट में ऐड नहीं किया कि वो गूगल की सर्विसेज एक्वायर ना कर सके या क्वालकॉम की चिपसेट भी ना खरीद सके, अभी तक वो बात नहीं हुई, लेकिन उस तरफ इशारा ज़रूर कर दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब आगे जो बाइडन आता है तो देखते हैं कि हालात सुधरते हैं या मज़ीद ख़राब होते हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर शाओमी को भी बैन कर दिया गया तो पीछे डेफिनेटली गूगल का पिक्सल ब्रांड ही रह जाएगा, और कोई भी चाइनीज़ कंपनी को तो ये एटलीस्ट ऊपर नहीं आने देंगे। और इस इल्ज़ाम पर शाओमी ने रिएक्ट भी किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारे क्लेम्स फॉल्स हैं और वो जिस जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुकम्मल फॉलो करते हैं, और उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है चाइनीज़ मिलिट्री से, PLA से कोई एसोसिएशन नहीं है, ना ही वो चाइनीज़ मिलिट्री को रिपोर्ट करती है। उसके बावजूद शाओमी के मुताबिक वो अमेरिका के लॉ के मुताबिक इस एलिगेशन से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये काम तो हवावे ने भी करने की कोशिश की होगी, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद हवावे अभी तक लटका हुआ है और गूगल की सर्विसेज दोबारा वापस नहीं हासिल कर पाया। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं? अभी फ़िलहाल तो शाओमी अमेरिकन कंपनी के चिपसेट यूज़ कर रहा है, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज़ कर रहा है और गूगल की फुल सपोर्ट भी हासिल कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से इसको भी इस तरह से बैन कर दिया गया तो क्वालकॉम के चिपसेट्स शाओमी यूज़ नहीं कर पाएगा और गूगल की फुल सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसा कि हवावे इस वक्त एंड्रॉयड तो यूज़ कर सकता है क्योंकि वो ओपन सोर्स है, लेकिन गूगल की सर्विसेज एक्वायर नहीं कर सकता। तो अगर शाओमी को भी उस स्टेट में लेकर आते हैं तो हवावे एटलीस्ट इस एडवांटेज में है कि वो अपनी चिपसेट्स क्रिएट कर सकता है। किरिन प्रोसेसर्स हवावे खुद बनाता था, वो अमेरिकन कंपनीज पे प्रोसेसर्स के मामले में रिलाय नहीं करता था, लेकिन शाओमी मुकम्मल तौर पर प्रोसेसर्स के मामले में या सॉफ्टवेयर के मामले में अमेरिकन कंपनीज पर रिलाय करती है। तो अगर शाओमी पर भी बैन लग गया तो डेफिनेटली शाओमी की सेल्स को भी फ़र्क पड़ेगा। मे बी शाओमी को इस चीज़ का आइडिया था, तभी उन्होंने पोको को एज ए ब्रांड सेपरेट कर दिया है पोको M3 के लॉन्च के बाद। और इन सारे एक्शन से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि अमेरिका किसी भी चाइनीज़ कंपनी को ऊपर नहीं आने देगा टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अभी देखते हैं इस महीने के एंड तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी तो वो चाइना के साथ किस किस्म के ताल्लुकात कायम रखती है। होपफुली
होपफुली वो हवावे पर और शाओमी पर ये जो बैन लगने वाले हैं, शाओमी पर जो लगने वाला है और हवावे पर जो लग चुका है, जिस पर मुतअद्दिद वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, होपफुली ये बैन ख़त्म हो जाता है और चाइनीज़ कंपनीज़ खुलकर अमेरिकन कंपनी से ट्रेडिंग कर सकती हैं, क्योंकि इसमें इन द एंड हम जैसे एंड यूज़र्स का ही फ़ायदा है। आज का साथ यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।